हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रीना है। आज मैं अपने वीडियो में ये सुंदर सा राखी बनाऊंगी। इसे मैंने न्यूज़पेपर से बनाया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फ्रेंड्स, राखी बनाना अभी शुरू करते हैं। राखी बनाने के लिए हमें जो जो मटेरियल चाहिए इस प्रकार से है। जैसे ये रेशम का धागा लिया है मैंने, ये कुछ बीड्स है, और ये हमारी चेन है, और एक मैंने पेपर लिया है। पेपर से आज राखी बनाएंगे हम। और ये मैंने फैब्रिक ग्लू लिया है। अभी सबसे पहले हम पेपर को ही रेडी कर लेते हैं। तो पेपर मैंने ये जोड़े में लिया है, 1.5 इंच, 1.5 इंच, और यहां से हमारा है 10 इंच। ऐसे मैंने 10 इंच लिया है। अभी हम पेपर में यहाँ पे थोड़ा गम लगा लेंगे ऐसे, और एक पेन लेंगे, ऐसे उल्टा रखेंगे गम वाली साइड। एक पेन लेंगे, कोई भी पेन ले सकते हैं आप, जितना साइज आपको चाहिए। अभी पेपर को हम ऐसे पूरा लपेट देंगे इस पेन के ऊपर, ऐसे लपेटते जाएंगे, और लास्ट में हम यहां पे ये गम लगा देंगे ऐसे, और ऐसे हम इसे इजीली चिपक जाता है ये। अभी देखिए हमारा ये राउंड रेडी हो गया है। अभी इसे पेन से हम निकाल लेंगे ऐसे। देखिए हमारा ये बन गया है ऐसे। अभी हम अपना रेशम का धागा लेंगे, और ये मैंने एक बुक ली है, इसके ऊपर हम ऐसे लपेटेंगे। अभी धागे को मैंने 8 बार लपेट दिया है। अभी यहां सेंटर से हम ऐसे काट देंगे। अभी हमारा धागा ये रेडी हो गया है, ये राउंड बनाया है पेपर से। यहाँ पे हम गम लगाएंगे। तो गम लगाने के बाद हम यहाँ पे धागे को ऐसे फिक्स कर देंगे। ये चिपक जाता है, जल्दी चिपक जाएगा। ये कोने पे लेना है हमें धागा ऐसे। ये सारे कॉर्नर पे गोलाई में हमें गम लगा देना है, ताकि धागा हमारा निकले ना ऐसे। अभी हमारा कोने पे चिपक गया है, गैप नहीं रहना चाहिए अच्छे से। तो ऐसे हम सारे पे लपेट देंगे धागे को। अभी देखिए फ्रेंड्स, हमारा इतना पूरा राउंड हो गया है। अभी लास्ट में हम यहाँ पे फिर से गम लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने गम लगा दिया है इधर। अब फिर से हम लास्ट में तक लपेट देंगे ऐसे धागे को। ये साइडों में थोड़ा ध्यान से यहाँ पे एकदम चिपकना चाहिए, नहीं तो बाद में हमारा निकल सकता है। अभी हमारा लास्ट है, तो लास्ट में हम यहाँ पे गम लगाएंगे ऐसे। मैंने ये गम लगा दिया है। अभी यहाँ तक हम ये काट देंगे यहाँ से एक्स्ट्रा धागा। फ्रेंड्स, धागा मैंने काट दिया है। अभी हम यहाँ पे ऐसे थोड़ा प्रेस कर देंगे, जिससे धागे हमारे निकलेंगे नहीं और अच्छे से सेटल हो जाएंगे धागे। अभी हमारा बेस बनके रेडी है। अभी यहाँ पे मैंने ये चेन लगाऊंगी डायमंड की, और ये हमारी बीड्स की है। तो सेंटर में सबसे पहले मैं यहाँ पे ये गम लगाऊंगी ऐसे। हम थोड़ा ऐसे लगाएंगे तिरछा। अभी मैंने ये गम लगा दी है। अभी यहाँ पे हम ये अपना डायमंड की चेन को ऐसे चिपका देंगे। तो ये डायमंड चेन को मैंने चिपका दिया है। थोड़ा हमने तिरछा चिपकाया है ऐसे, यहां से राउंड में लेते हुए इस साइड को। अभी मैं ये बीड्स वाली चेन लगाऊंगी। तो ये मैंने गम लगा दिया है यहाँ पे। अभी चेन को हम ऐसे राउंड में ऐसे ले जाएंगे, और दूसरे यहाँ पे ऐसे। अभी मैंने ये बीड्स वाली चेन भी लगा दी है। अभी इस साइड भी हम ऐसी ही चेन लगाएंगे बीड्स वाली। फ्रेंड्स देखिए, हमारी दो चेन लग चुकी हैं। अभी एक चेन और लगाऊंगी मैं डायमंड की, एक इस साइड और एक इस साइड। फ्रेंड्स अभी हमारी सारी चेन लग चुकी हैं, तो हमारा अभी ऐसा बन चुका है। अभी हम नीडल में दो धागे डालेंगे। नीडल में मैंने दो धागे डाल दिए हैं।
अभी हम ये गोल्डन शेड के बीट्स डालेंगे इसमें, चार बीट्स डालूंगी मैं, ये मैंने चार बीट्स डाले हैं। इसके बाद हमारा ये आता है, ये लॉक करने का होता है बीट्स को, तो इसे हम ऐसे डालेंगे, ये देखिए। अभी इसके बाद जो हमने ये राखी का बेस बनाया है ये डालेंगे इसमें नीडल को, और ये देखिए ऐसा बन जाएगा हमारा। अभी फिर से हम ये वाला डालेंगे, ये देखिए दूसरा भी मैंने इस साइड डाल दिया है। अभी हम चार बीट्स और डालेंगे ऐसे ही। फ्रेंड्स मैंने ये चार बीट्स भी डाल दिए हैं, तो अभी यहाँ कोने में हम यहाँ पे एक नोट लगा देंगे। दूसरे कोने पे भी हम ऐसे ही लगा देंगे। फ्रेंड्स देखिए कितनी प्यारी राखी बनके हमारी रेडी है। तो फ्रेंड्स अगर मेरा ये राखी बनाने का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।